नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त शिवशंकर। आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारा चैनल एग्रीटेक्रम उड़ीसा में। और ये जो फार्म में मैं अभी तक खड़ा हूं, तो ये है इसी पोल्ट्री फार्म। तो हम इस वीडियो में टोटल जानकारी लेंगे क्या इसी पोल्ट्री फार्म और जो रहता है आपका ओपन पोल्ट्री फार्म, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसी पोल्ट्री फार्म हम ऑपरेट कैसे करते हैं, इस बारे में हम टोटल जानकारी लेंगे हमारे जो इस फार्म का मालिक है, तो उससे हम जानेंगे क्या इसमें बेनिफिट्स क्या है और इसमें ऑपरेट कैसे किया जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। नमस्ते। आपको हमारे चैनल एग्रीटेक्नो उड़ीसा में स्वागत है। तो आपका पहले तो ओपन फार्म चलता था, अभी आप इसी पोल्ट्री फार्म के हैं, तो इसमें आपको बेनिफिट क्या दिखाई दिया? देखिए, जो इसी फार्म और ओपन फार्म में डिफरेंस बहुत है। ओपन फार्म में क्या होता है, आपका प्लेसमेंट 1.1 से 1.3 में होता है। और इसी फार्म में क्या होता है, अपन 0.7 से 0.8 में होता है। इसलिए क्या होता है ना, आपका बाढ़ ज़्यादा रहते हैं इसी फार्म में। लेकिन ओपन फार्म में उतना कम रहते हैं फार्म। देखिए, 1000 स्क्वायर फुट में आपका इसी फार्म में आपका 12000 बाढ़ रहेंगे, तो आपका ओपन फार्म में आपका 8000 बाढ़ रहेंगे। इसीलिए आपका इसी फार्म में प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए एक बेनिफिट वही है। दूसरा बेनिफिट यह है कि आपका जो इसी फार्म में क्या होता है, जो कूलिंग सिस्टम रहता है, कूलिंग सिस्टम रहने से आपका जो इसका अंदर का टेम्परेचर जितना चाहिए वही हिसाब से रहता है, जो मुर्गी के लिए जितना चाहिए वही हिसाब से रहता है। इसीलिए उनका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होता है। आपका ओपन फार्म में 40 डेज में आपका 2 किलो 200 होता है, आपका इसी फार्म में 32 डेज में 2 किलो 200 हो जाते हैं। इसीलिए ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, आपका FCR भी बहुत अच्छा रहता है इसी फार्म में। लेकिन क्या है, आपका इसी फार्म में भी प्रॉब्लम यह है, आपको इसी फार्म में हर टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। अलर्ट का मतलब उनमें 24 आवर्स आपका इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। आपका जब इलेक्ट्रिसिटी कभी भी लाइन चला जाएगा तो आपको जनरेटर स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे भी हो आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने से क्या होता है, मुर्गी का आपका मोर्टालिटी स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और आपका क्या है, ओपन फार्म में क्या है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। ओपन फार्म में क्या होता है ना, आपका एनवायरनमेंट का हिसाब से उन लोग डेवलप करते हैं, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन इसी फार्म में क्या है, आपका अंदर का टेम्परेचर आपका उनका हिसाब से रहता है, उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है, लेकिन आपका जे हर टाइम आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत दिक्कत करता है। देखिए, हमारा जो ये नया वाला जो इसी फार्म बना हुआ है, इनमें हमारा जो पहले बैच में आपका 30,000 का गया था डीजल का खर्चा, 22,000 गया था आपका इलेक्ट्रिक का खर्चा। लेकिन हमारा जो पुराना जो ओपन फार्म था, ओपन फार्म में हमारा कितना 800 रुपया से 1200 रुपया तक आता था इलेक्ट्रिक बिल। तो इलेक्ट्रिक और डीजल मिलाकर देखिए कितना ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए यार कंपनी भी आपका क्या जो इंटीग्रेशन में आप करने से इसी फार्म में आपको 150 रुपया ज़्यादा देता है, इसी वो भी एक मैंने आपका मुनाफा है। और दूसरा क्या है, आपका इसी फार्म में क्या होता है, लेबर कम लगता है। इसमें क्या है, इसका जो मोटर सिस्टम है, आपका पानी आपका दाना क्या है, एक हॉपर में डालने से वो पूरा चला जाता है लास्ट तक। वहाँ सेंसर है, सेंसर में क्या होता है ना, वो ऑटोमेटिक बंद कर देता है। आपका दाना फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये जो हॉपर है आपका, ये लास्ट तक पहुंचने में कितना जो दाना फीड लगता है? ये करीब करीब बच्चा का टाइम 3 लगता है, तो उससे जितना बड़ा होता है तो ज़्यादा लगता है, 10-12 तक लगता है। जितना बड़ा होगा, जितना खाएंगे उतना लगेगा। ये तो फुल्ली आपका ऑटोमेटेड है? ये ऑटोमेटिक है। और ये जो पानी वाटर सिस्टम जो है, उसमें रेगुलेटर है नीचे,
आपका जो छोटा वाला बच्चा का टाइम, आपका रेगुलेटर नीचे कर देने से पानी कम निकलेगा। अभी क्या है, अभी मुर्गी बड़ा हो गया है, इंडिकेटर है सर, ये इंडिकेटर है। हाँ, जो इंडिकेटर है वो दिखाता है जो कितना प्रेशर कितना है। आपका जितना बड़ा हो जाएगा उतना प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा तो कम खाएगा, बड़ा तो बहुत ज़्यादा खाएगा, इसीलिए ज़्यादा देना पड़ेगा। ये तो एक ही जगह में खा के बैठते हैं तो हाँ, तो जल्दी जल्दी आपका ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इसका जो कूलिंग पैड है वो कैसे चालू होता है? अब ऑटोमेटिक चालू होता है वो? हाँ जी, देखिए ये क्या है, अंदर में सेंसर है। हाँ, अंदर में सेंसर है, जितना आपका टेम्परेचर जितना चाहिए मुर्गी के लिए वो ऑटोमेटिक वहाँ से सेंस कर लेता है। हाँ, जो सोचिए आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो क्या होता है ना, ऑटोमेटिक कूलिंग पैड स्टार्ट हो जाता है। ऑटो में दे देने से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है कूलिंग पैड, और आपका मैनुअल में देने से आपको खुद चलाना पड़ेगा, लेकिन आप तो जान नहीं सकेंगे कितना टेम्परेचर कितना है क्या है, इसीलिए ऑटो में देने से बहुत अच्छा है। आपका तो ये 22,000 कैपेसिटी का ये मेरा 22,000 है, और एक तो 8,000 का है, 30,000 का टोटल है। तो इस 22,000 फार्म में आपका फैन लगा है, 10 लगा है, 10 तो है, साइड में 2 है, 10 है, 10 फैन। तो इस घर को बनाने में ये जो कितना खर्चा हो गया? ये करीब करीब हमारा, देखिए दोनों सेट का हमारा 1,30,00,000 खर्चा हो गया। दोनों 30,000 का? नहीं, 30,000 का। हाँ, और ये क्या है, हम जो आदमी दूसरा लोग जैसे बनाते हैं, हम थोड़ा अलग बनाया है। हमारा क्या है, ये जो पिलर फिलर है वो सब हम विंड प्रेशर का हिसाब से बनाया है, क्योंकि देखिए वो स्ट्रक्चर तो पूरा वो पिलर का ऊपर रहता है ना, इसीलिए पूरा फाउंडेशन बहुत अच्छा कर उसको बनाया है। हाँ, ये तो इसी पोल्ट्री फार्म में बेनिफिट्स है, मुनाफा ज़्यादा है। मुनाफा ज़्यादा है लेकिन तकलीफ़ भी बहुत है। तकलीफ बहुत है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत इन्वेस्टमेंट ही ज़्यादा भी है। आपका देखिए जो ओपन फार्म में जितना इन्वेस्ट है करीब करीब 2 गुना से 2.5 गुना है। हाँ, 2 गुना से 3 गुना हो जाता है कभी कभी, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आप ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आपका 3 गुना हो जाएगा। और इसमें क्या है, आपका देखिए हमारा ये 30,000 फार्म के लिए करीब करीब आपको लग जाएगा, माने 30,000 ओपन फार्म होने से करीब करीब 15 आदमी ज़रूरी है। 2,000 में एक आदमी ज़रूरी है उसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन आपका जो इसी फार्म में हमारा 2 आदमी से पूरा काम चल जाता है। हाँ, पूरा टोटल 30,000 का 2 आदमी से हो जाता है। हाँ, इसमें आपका बचत हो जाएगा जो, या बहुत लेबर का बचत हो जाएगा, लेबर का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उतना प्रॉब्लम नहीं है। आपका ये इंटीग्रेटिंग में किस कंपनी का है? ये हमारा IB का है, इंडियन ब्रॉयलर का। हाँ, ओ, जो जितना भी इक्विपमेंट लगा है आपका इसी फार्म, ये सब IB वाला का है। तो बहुत कंपनी दे रहे हैं, आपका IV दे रहा है, आपका धूमाल है। हाँ, आपका नागनपुरिया है। हाँ, और आपका हमारा उड़ीसा में एक ईरो फार्म है। हाँ, कटक का। और ऐसे बहुत आदमी, बहुत कंपनी है, सब दे रहे हैं। सबसे अच्छा है धूमाल का। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, दाम भी अच्छा है। हाँ, क्वालिटी अच्छा रहेगा तो दाम भी तो अच्छा ही रहेगा। इसको कितने दिन का बाड़ है अभी वो? ये करीब करीब ये 19 दिन का बाड़ है। 19 दिन का? या ठीक है। तो जो इंटीग्रेटिव में आपको कैसे मुनाफा मिलता है, वो जो बाड़ का वो कितना केजी में कितना रुपया मिलता है वो? ये देखिए IB में ये दे रहा है हमको 8.10 रुपया। हाँ, एक केजी के लिए 8.10 रुपया देता है। हमारा जो FCR ठीक रहेगा। हाँ, तो आपका जो कॉस्टिंग 62 रुपीज़ है, 62 रुपीज़ रहेगा। हाँ, तो हमको 8.10 रुपया मिलेगा। हाँ, उससे जब घटेगा हमारा, सोचिए हमको 58 में हमारा हो गया, तो एक केजी के लिए हमको 35 पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा हो गया तो 35 पैसा घट जाएगा। हाँ, अच्छा आपका 80 रुपया से ज़्यादा होगा जो मार्केट प्राइस, तो हमको 10 पैसा मिलेगा 90 रुपया तक। हाँ, और 90 रुपया से ज़्यादा हो जाएगा तो हमको 15 पैसा मिलेगा। अभी 100 रुपया है, 100 रुपया होने से हमको 3 रुपया 1 केजी में ज़्यादा मिलेगा। हाँ, वही हिसाब से देते हैं।
अगर डिजीज के बारे में सोचे तो ओपन फार्म और इसी फार्म में क्या डिफरेंस है? डिजीज डिजीज तो दोनों में लगता है, क्योंकि आपका जो हैचिंग होकर आता है वहाँ भी डिजीज थोड़ा रह जाता है, और आपका मेंटेनेंस फास्ट चीज है। देखिए हमारा, आप लोग भी आए अंदर तो आपको जो बाहर में जो आपका हमारा जो रखा हुआ है पानी, उसमें आपको सैनिटाइज होकर आना पड़ता है। तो इसके अंदर किसी को हम घुसने नहीं देते हैं। क्या है, देखिए एक बैच में हमारा करीब करीब 45 लाख से 55 लाख लगता है एक बैच में। तो कोई इन्फेक्शन घुस जाएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए बहुत दिक्कत है। तो आप तो बहुत साल हो गए हैं ये मुर्गी फार्म में, तो आपको कैसा लगता है अभी जो इसी फार्म में चलता है आपका? ये फार्म तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, लाइफ स्टॉक बिजनेस में बहुत रिस्की बहुत है। आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत है। सिंसियर होना पड़ेगा, हर चीज़ का सिंसियर होना पड़ेगा। अब बोलेंगे जो ये हो गया है रहने दो, ऐसा नहीं होता है लाइफ स्टॉक बिजनेस में, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होने से दिक्कत है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आपका चैनल है, उसको देखते हैं उसमें क्या क्या बटन लगा हुआ है। आइए आइए, ये देखिए ये पैनल बोर्ड है, ये ऊपर का हमारा 10 फैन है, ये हर अभी सभी चल रहा है, 10 चल रहा है। ये कूलिंग पैड है, देखिए वो कूलिंग पैड भी चल रहा है, रेड वाला। ये नीचे जो ग्रीन लाइट जल रहा है वो कूलिंग पैड है, और 4 ये हपर का वो फीडर लाइन का वो 4 है, वो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन अभी हम बंद कर दिया है क्योंकि हमारा फीडिंग हो गया है। और आपका ये कूलिंग चल रहा है, आपका फैन भी ऑटोमेटिक चल रहा है, फुल 10 फैन चल रहा है। ये ऑटोमेटिक अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो अंदर में 2 सेंसर है, सेंसर का वो सेंसर में आपको वो रीड कर लेगा, ये ज़्यादा हो गया है तो ऑटोमेटिक फैन चलेगा, ऑटोमेटिक आपका कूलिंग पैड चलेगा। कूलिंग पैड एक तो चालू है आपका दिखाई दे रहा है। हाँ, और एक भी चलेगा? हाँ नहीं, दोनों ये एक ही में चलता है, दोनों एक में मोटर एक ही है, उसी में चलता है दोनों। इसको ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, उसमें कोई नहीं है, ऑटो में दे दीजिए वो अपने आप चलेगा, अपने आप चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने रखा है जगह जगह में है। हाँ, ये क्या है, इसको टर्बो फीडर बोलते हैं हम लोग। क्या क्या है, जितना यहाँ से टोटल जो 22,000 बाड़ है, उसमें हम क्या क्या है, जो बच्चे ही कर जो जितना छोटा वाला बच्चा है वो तो हर ग्रोथ सेम नहीं होता है ना। जो छोटा होता है, कोई छोटा होता है उसको लेकर यहाँ रखा हुआ है ये फर्स्ट में। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो छोटा बच्चे के लिए ये खाना देते हैं इसमें, और वो जो बच्चा आता है जो चिक्स आता है उसी टाइम में इसमें, इसको बोलते हैं टर्बो फीडर। इसमें छोटा बच्चे के लिए खाना देते हैं। आईबी जो चिक देता है आईबी कंपनी, तो जो वैक्सीन आप खुद करते हैं या वो वैक्सीन करके भेजता है? नहीं, वो देखिए जो आईबी कंपनी का अभी क्या है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हर फार्म का। हाँ, इसीलिए वो कंपनी वाला आपको 3 वैक्सीन कर भेजता है। हाँ, और दूसरा जो 1 वैक्सीन हम यहाँ करते हैं, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी कंपनी वाला जब ज़रूरत होता है तो वो कर भेज देता है, नहीं तो हमको यहाँ करना पड़ता है। हाँ, वैक्सीन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो अलग है टंकी है उसमें हम वैक्सीन दे देते हैं, पूरा उसको सूखा रख देते हैं 1 के लिए। हाँ, मुर्गी को उसका बाद उसको पानी छोड़ देते हैं, तो वैक्सीन पानी छोड़ देते हैं तो वो पी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, अगर हमारे अगर एक नया किसान भाई हमारे चाहे तो एक फार्म करे वो, या उसका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, 0 एक्सपीरियंस। हाँ, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे कि वो ओपन फार्म पहले करे कि जाने सीखे? नहीं, मेरा देखिए आपको पहले कहाँ भी कूदने से पहले आपको जब गड्ढा में आप कूदेंगे तो कितना गहरा है उसको मापना पड़ेगा। अब देखिए जो पहले आपको देखना पड़ेगा जो मुर्गी फार्म के लिए आपको क्या कितना कर सकते हैं ना, नहीं देखिए आपका जो ये आपका जो इसी फार्म के लिए इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। उतना इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम चाहते हैं जो कोई भी करे मुर्गी फार्म तो पहले ओपन फार्म करे, ओपन फार्म कोई कुछ एक्सपीरियंस गेन करे, उसका बाद ही इसी फार्म में जाए। हाँ,
मेरा राय वही हिसाब से है। हाँ हाँ ठीक है, इसमें उसका ज़्यादा घाटा नहीं होगा, उसको नॉलेज हो जाएगा उसका। हाँ, नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसी फार्म बारे में बहुत कुछ जानकारी देने के लिए, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। और आज के लिए इतना ही बस, फिर मिलते हैं दूसरे एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।